Hello, students of class 8. Today we study about the same topic, resources. Yesterday we studied about the same topic, resources. In this chapter, yesterday we studied the types of resources. We studied natural resources and human-made resources. Today, students, come back again on the same topic, resources. The two types of resources, natural resources and human-made resources. So natural resources has been divided into two types, actual resource and potential resource. यह जो संसाधन है जिसके बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स जिसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और दूसरी टाइप हमने पढ़ा कल ह्यूमन में रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जिसे हम कृत्रिम संसाधन कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मनुष्य निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन. अब हम लोग एक्चुअल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज का टू टाइप्स है, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स. अब एक्चुअल, व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स? तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नोन. Students, pay attention here. The definition of actual resource. कि actual resource क्या है? Actual resources are those resources whose quantities are known. For example, coal in Ruhr region of Germany. And petroleum in the West Asia. These resources are the potential resources. यह जो actual resources है, coal resources जो कि जर्मनी के, West Asia के जर्मनी में पाया जाता है, रूह प्रदेश में, और पेट्रोलियम पश्चिमी एशिया में, और द सॉइल, द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र. यू स्टडी अबाउट द डार्क सॉइल इन महाराष्ट्र. डार्क सॉइल इज वेरी फर्टाइल. डार्क सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द ग्रोथ ऑफ cotton plant. Next, we study about the next type of natural resource, potential resource. Now, you try to understand what is potential resource. आप यह जानने का कोशिश करेंगे कि potential resource क्या है. Potential resources are दो रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी इज मे नॉट बी नोन. पोटेंशियल रिसोर्सेज का मात्रा कितनी है वो हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है. व्हाट इज द रीजन, इसका क्या कारण है जो पोटेंशियल रिसोर्स का मात्राओं का जानकारी अभी तक हमें नहीं हुई है. द आंसर इज दैट yet today we haven't advanced technology. Yet today we have not enough advanced technology to find out the entire
पोटेंशियल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल यूरेनियम इन लद्दाख, यूरेनियम इन लद्दाख टिल टुडे वी हैवंट फाउंड इट्स क्वांटिटी व्हाइल इट इज गेस्ड दैट देयर इज एनफ क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख. तो सच पोटेंशियल रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज इज नॉट मे नॉट बी नॉन बट वी गेस दैट देयर इज एनफ क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इन लद्दाख व्हिच मे बी यूज्ड इन फ्यूचर. स्टूडेंट्स, यू स्टडी जस्ट द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट, नाउ कम टू द पॉइंट, दीज एक्चुअल रिसोर्सेज हैज ऑल्सो बीन डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स, रिन्यूअल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, समझने की कोशिश कीजिए. यह जो एक्चुअल रिसोर्स है इनको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि नवीकरणीय, जैसे कि हम एक बार यूज करने के बाद अगेन उसको यूज कर सकते हैं, इसकी मात्रा कभी एंड नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, वो हुआ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और कुछ रिसोर्स जैसे वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, यह जो वाटर, एयर एंड सोलर एनर्जी है, इनकी एनफ क्वांटिटी वी हैव, हमारे पास है, जिसकी समाप्त होने की संभावना नहीं है, फिर भी वी से दैट वी मस्ट सेव वाटर बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सम रीजन, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर इज ऑल्सो स्कार्सिटी ऑफ वाटर सम रीजन ऑफ इवन आवर कंट्री इन इंडिया. पानी हमारे पास, जल संसाधन की मात्रा हमारे पास कम नहीं है, फिर भी हमारे भारत देश में भी, दुनिया के अन्य देशों में भी पानी के अभाव है, ड्रिंकिंग वाटर के अभाव है, इसलिए हम पानी को बचाते हैं, बचाना चाहिए. तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सच रिसोर्सेज आफ्टर यूज वी कांट यूज अगेन, एक बार यूज करने के बाद पुनः हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम आर सच रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड एंड अगेन इट कुड नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. सो सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. टुडे यू स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, यू मस्ट प्रिपेयर द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज. देर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर स्टडी दैट यू यस्टरडे एंड टुडे स्टडी. यू विल प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. नेक्स्ट डे वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकेंड चैप्टर इन ज्योग्राफी. थैंक यू.